ए मॉर्निंग। सो आई वॉज जस्ट चेकिंग माई पार्किंग। अभी पार्किंग में मेरा एक भी गाड़ी नहीं है। एक टाइम था जब मेरे पार्किंग में तीन तीन बाइक्स थे, S1000, GSS, स्क्रैम्बलर। मैं डिसाइड करता था कि कौन सा बाइक कब लेके जाना है, कौन सा बाइक संडे में लेना है, कौन सा बाइक ऑफिस लेना है, कौन सा बाइक ग्रोसरी और अंडे के लिए लेना है। आज एक भी बाइक नहीं है। सो टाइम चेंजेस सो फास्ट एंड प्रायोरिटीज भी कितना जल्दी लाइफ में चेंज हो जाता है। बट एनी वेज, वॉट एवर हैपन्स, मे बी इट हैपन्स फॉर गुड। एंड आई एम एक्चुअली चेंजिंग डूइंग अ लॉट ऑफ चेंजेस इन माई लाइफ एज वेल। सो बहुत सारे बड़े बड़े डिसीजन थे। आपको तो व्लॉग में धीरे 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 सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। इफ आई एम टेलिंग यू एवरीथिंग इन वन शॉट, आप फॉलो नहीं कर पाओगे। सो आपको स्टेप बाय स्टेप जाने से ही मजा आएगा, पूरा जर्नी आपको मालूम पड़ेगा। बट यही है कि हमारा लाइफ तो चलो कट गया। माई एज इज करेंटली 33, मेरा 33 ईयर्स आई हैव स्पेंड इन इंडिया। तो हमें दो चीज़ तो ये मालूम पड़ गया, आई डोंट वॉन्ट टू स्पीक अबाउट दो स्टफ, बट आई डोंट वॉन्ट माई सन टू स्टे विद दोज टू वर्ड्स, एडजस्ट एंड कॉम्प्रोमाइज। दैट इज द थिंग, वी आर मूविंग आउट। देखो, रोड पे जब आप लेन चेंज करते हो, मतलब बुक से जब भी आपको लेन चेंज करना हो, आपको सेफ्टी चेक करना पड़ता है। सेफ्टी चेक का मतलब, अगर आपको राइट में इंडिकेटर देख के, मतलब अगर राइट में जाना तो इंडिकेटर पहले नहीं मारने का, पहले सेफ्टी चेक करने का, उस तरफ का मिरर देखने का, सामने मिरर देखने, इसको देखने का, उसके बाद ऐसे देखने का, उसके बाद जाके इंडिकेटर मारने का। वैसे करते हैं सेफ्टी चेक, उसके बाद वैसे ही करते हैं लेन चेंज। हमें यहाँ तो अगर मैं सेफ्टी चेक करने जाऊँ, कोई ना कोई आके मेरे को ठोक के चले जाएगा। सो टाइम इज़ राइट नाउ 1:20 PM। इतना लेट कभी मैं ऑफिस नहीं होता। आज थोड़ा लेट हो गया क्योंकि घर से बहुत सारा सामान को निकलना था। लॉट ऑफ स्टफ हैज़ ऑल्सो गॉट सोल्ड, तो वो सब मेरे ऑफिस के बंदे हैं, उसको लेके जाएंगे। मैं सब कुछ अनइंस्टॉल करके आ चुका हूँ। अभी पूरा कार का पीछे पूरा भरा हुआ है, चीज़ पूरा भरा हुआ है, सब जाएगा ऑफिस में, अनलोड होगा, उसके बाद इट्स गोइंग टू गेट शिप टू आवर कस्टमर्स। सो आज का अपना प्लान है कि मेरे को मेरे दुबई वाले घर के लिए मेरा जितने भी सारे कंप्यूटर्स, सीपीयू, मॉनिटर्स, वो सबको लेके जाना है। उसके लिए है टू परचेज 50 किलोज़। अगर आप 50 किलोज़ अगर आप एयरपोर्ट में लेके जाते हो, 50 किलोज़ के लिए यू हैव टू पे, 1 किलो का लगता है क्लोज टू 1200 रुपये, मतलब 50 किलो का आपको लगेगा क्लोज टू 70,000 रुपये इंक्लूडिंग टैक्सेस। बट आई जस्ट हैड टू पे 8,000 रुपीज़। येस, टोटल 8,000 रुपीज़ आई पेड फॉर दिस। अगर चाहते हो कि उसका पूरा डिटेल्स वाला वीडियो बनाओ, लेट मी नो, क्योंकि अगर मतलब आपको इंटरेस्ट नहीं होगा वीडियो बनाया कोई मतलब नहीं है। आई हैव ओनली पेड 11,000 या 10,000 रुपीज़ ऐसे ही फॉर मई टोटल 50 किलोज। सो जस्ट हियर एट ऑफिस टू गेट सम मोर स्टफ ऑफ माइन, Insta360 Go, दैट इज ऑल्सो गॉन। ये नारबॉक्स का, दिस आई गॉट इट लाइक फ्यू ईयर्स बैक। अभी देखते हैं कितने लोग बोल सकते हैं कि नारबॉक्स का एक्चुअली यूसेज क्या है। This is how the box looks like, and the Camlink, this is the one. If you are someone who does YouTube video streaming or Twitch game streaming, then you need this. क्योंकि इसको आप कनेक्ट करने के बाद only you can do the live streaming on the camera. So ये भी एक Camlink है। और गेम स्ट्रीमिंग के लिए I also have the one HD 60+, that can also do up to 4K. So ये भी है, वो भी है। So if in case you are looking to do a career in like game streaming or live streaming, maybe you need this. Those two are also up for sale because I'm not using it anymore. Live streaming में बहुत कम करता हूँ। Maybe after 1 or 2 months I'm planning to do only for the premium members monthly, दो live stream होगा, that is for both the channel, Udeto का channel and Somjan channel as well. So ये भी जाएगा। and then yes, of course, coming back to the video topic, मैं आपको explain करना है कौन सा cryptocurrency एक मेरा दोस्त लेके, he has also made a lot of money yesterday night, explain करता हूँ। for now we need to drive। अभी कल वीडियो में किसी ने कमेंट डाला था कि सोम भाई शायद इसीलिए अपना गाड़ी वाड़ी सब कुछ बेच रहे हैं क्योंकि वो लोन को रीपे नहीं कर पा रहे हैं। सो लेट मी टेल यू, आई एम कम्प्लीटली डेट फ्री, मेरा एक भी लोन खुला नहीं है। ऑल द लोन्स, EMI, everything has been paid off, and उससे अच्छा फीलिंग लाइफ में कुछ भी नहीं है देन मतलब वेन यू आर डेट फ्री। जब आपका कुछ भी लोन वो नहीं रहता तब जो फीलिंग आता है ना, क्या जबरदस्त वाला फीलिंग, जबरदस्त। सो एक्चुअली आई हैव, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव नेवर टेकन ए लोन, नॉट इवन ए सिंगल लोन फॉर माई बिजनेस। तो लोग क्या करते हैं इंडिया में, अपने बिजनेस चलाने के लिए लोन लेते हैं। मैं कभी भी बिजनेस के लिए लोन कभी भी आज तक मैंने लिया नहीं, कभी आज तक इंक्वायरी भी नहीं डाला। मैं नॉर्मली कार या बाइक्स लोन पर लेता हूँ बिकॉज दैट इज़ मतलब वो कुछ अकाउंट में कुछ हेल्प है, मेरे को अकाउंट में उतना आइडिया नहीं है। सो मेरा नॉर्मली सिस्टम ऐसा रहता है कि नॉर्मली टेक ए लोन एंड ट्राई टू फिनिश इट विद इन 1 ईयर। अभी जी वैगन का भी लोन हैज़ बीन क्लोज, मे बी मेरे को आज या कल तक उसका लोन का NOC भी आ जाना चाहिए। सो आई डोंट हैव ए सिंगल लोन राइट नाउ, सो डेट फ्री, कंप्लीटली डेट फ्री। अभी आप मेरा ऑफिस वाला रूम देख नहीं सकते, यहाँ सामान 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 सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, वहाँ भी पूरा सामान 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 सामान, यहाँ भी पूरा सामान।
टोटल लोडेड आई एम सेलिंग माई दिस. ये वाला चेयर के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ा था. इट जस्ट लुक सो गुड, पूरा एग्जैक्ट कलर, एग्जैक्ट वॉट आई वॉन्टेड. दिस वन आई एम सेलिंग फॉर 20K. एंड ये अपना हाइट एडजस्टेबल वाला ऑल्सो आई एम सेलिंग इट. सो NS1 का पेपर से को सेंड करना है. बोथ ऑफ द बाइक्स हैव गॉन टू NS1 लुधियाना. एंड आज फिर से भाई लेट होने वाला बिकॉज टाइम इज ऑलमोस्ट 6 PM, मतलब बाहर पूरा रात. आज फिर से एक ASMR स्टाइल और एक गाना आ जाएगा. सो बाई द टाइम आई एम फ्लाइंग मे बी आई विल जस्ट गो एड एंड अपलोड. तो अभी जो मेन काम है, हमें ये जो दो मॉनिटर इसको पैक करवाना है. मैं घर से ऑलरेडी मॉनिटर लेके आ गया. सो 27 इंच ये तीन मॉनिटर पैक होगा. और एक जो 32 इंच वाला मॉनिटर है वो उसको मैं अपने बैग के अंदर ही डाल दूंगा. सो 4 मॉनिटर्स आई एम कैरिंग एंड 1 बिग CPU. CPU जाएगा, कीबोर्ड जाएगा एंड ये तीन, इसको पूरा पैक किया जाएगा. उसके लिए अमेजोन से अभी गया है अपना फ्रेजाइल वाला स्टिकर अप्लाई करें, देन विल पैक इट. होपफुली इट गेट्स डन अर्ली. पैकिंग डन. मॉनिटर, CPU, मॉनिटर, टोटल 4 बॉक्स. 1, 2, 3, 4. स्कैन कर देबे ना पूरा खुली. खोलिया कोइल तक गाड़ी देवा पड़ो खोलाओ आई पारे जहाँ देखू बाहर देख स्कैन करी. CPU, मॉनिटर गोटे मॉनिटर ये. ओके 1, 2, 3, 4. डन. ला, इतना लेट मैं कभी भी घर नहीं गया. आज पहली बार आफ्टर 5 ईयर्स आई एम लीविंग टू होम फॉर 7:20 PM. ये देखो भाई, कार को जाने दे यार. इतने बड़े हरामखोर लोग रोड पे गाड़ी चलाते हैं. अभी मेरे पीछे हॉर्न लगाना शुरू की, मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ. अभी मैं वेट क्यों कि वो गाड़ी जाएगा, उसके बाद मैं सीधा जाऊँगा. नहीं, लोगों को यहाँ से साइड करके लेके जाने का है बॉस. रॉन्ग साइड से, हे भगवान, रॉन्ग साइड से, वो भी सब्सक्राइबर. हे भगवान भाई, ये टाइम पे अगर आप रोड पे निकल गए, गाली ही गाली. ये टाइम पे अगर कभी रॉ वाला व्लॉग बन गया, खाली मुंह से आप सुनोगे या जबरदस्त गाली निकलता रहा. एनीवेज, सो फाइनली गाइस, माय पैकिंग हैज बीन डन, एवरीथिंग हैज बीन डन. अभी सीधा कल लेके कैसे मैं फ्लाइट में अपना सामान डालूंगा, उसके बाद दुबई में कैसे कस्टम से क्लियर करूँ. कस्टम से वैसे कुछ प्रॉब्लम, ये देखो भाई जगह है ही नहीं. जगह है ही नहीं भाई, निकलता रहता है. सो वहाँ से भी मेरे को वहाँ से निकलना है. आई हैव ऑलरेडी ईमेल टू दुबई कस्टम्स दैट आई एम ए रेसिडेंट ऑफ UAE. आई एम कैरिंग ऑल ऑफ माय पर्सनल कंप्यूटर्स एंड CPU. बहुत सारा सामान है पूरा, उसको लेके कैसे सेफली लेके वहाँ घर में रखूँगा, दैट इज़ द ओनली एजेंडा. सिंस आई एम ट्रैवलिंग अलोन दिस टाइम, दैट वॉज द ओनली बेस्ट वे टू टेक ऑल द स्टफ. अगर नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग विथ माई वाइफ एंड सन, इट वुडंट हैव बीन पॉसिबल. सो दिस वॉज द बेस्ट टाइम. एक बार अपना कंप्यूटर का सामान पहुँच गया तो माई जॉब इज डन. कल वाले वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि वी आर गोइंग टू मिस सोम भाई, जो रोड पर गाली देते रहते हैं, गुस्सा होता रहते हैं, वो वाला वी आर गोइंग टू मिस ऑन इंडियन रोड. क्योंकि वो तो बाहर नहीं हो सकता, वो ओनली इंडियन रोड्स पर ही होगा. भाई सोम भाई जिंदा रहेंगे तब तो. मेरे को तो लगता है मैं अगर और 1-2 महीना अगर यहाँ फिर गाड़ी चलाऊँगा, मैं ब्लड पर कोविड से मरूँ या ना मरूँ, ब्लड प्रेशर से पक्का मरूंगा भाई. जस्ट शी इज़ होम. एंड अभी आप देख सकते हो जितना मतलब फ्रेजाइल का टैग लगा हुआ है, जैसे लग रहा है कि ये सब सीमेंट चिल्ला के बोल रहा है फ्रेजाइल. वैसे ही प्लान करके लगाया गया कि जैसे मतलब अपना डब्बा जैसे पहुंचे एयरपोर्ट में, वो जो बैगेज की जगह है, वो बैगेज वाला फेंकने से पहले उसको लगे कि डब्बा बोल रहा है फ्रेजाइल. ऐसा करके मतलब पूरा फ्रेजाइल हर जगह टैग लगा दिया गया है. सो वन इज़ द CPU, द मेन CPU 27 इंच. तो 3 27 इंच 4K मॉनिटर्स और एक जो 32 इंच का 4K मॉनिटर्स है, उसका मेन वाला डब्बा नहीं मिला. उसको मैं क्या करूँ, मेरे कपड़ों के बीच में इस पर खतरनाक वाला पैकिंग किया जाएगा. एनीवेज आई एम ऑलरेडी टायर्ड, घर पहुँच के बढ़िया वाला वीडियो एडिट करूँगा. उसके बाद वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट सीक्रेट वाला क्रिप्टो करेंसी थिंग. सो टाइम इज अवेलेबल राइट नाउ क्लोज टू 12 AM इन द नाइट. मेरा पूरा होल नाइट निकल जाएगा एडिट करने में. अभी देखो मेरा पार्किंग टोटल खाली, पूरा खाली. यहाँ एक दिन था 3-3 गाड़ी रहता था, उसके मेरे को सोचना पड़ता. मैं एक एक्स्ट्रा पार्किंग भी लिया था GSA के लिए. अभी वो पार्किंग का पैसा वेस्ट और एक पार्किंग का पैसा वेस्ट है. मेरे तो दिन कोई खुद का पार्किंग है, ये भी अभी खाली पड़ेगा. मतलब 3-3 पार्किंग का पैसा टोटल वेस्ट. सोच रहा हूँ कि पार्किंग को 5 लाख में बेच देंगे, क्या बोलते हो. एंड भाई लोग, वन गुड न्यूज़, क्रिप्टो करेंसीज क्रैशिंग. आप कुछ लोग पूछेंगे ये गुड न्यूज़ कैसे हुई. इट्स एक्चुअली गुड न्यूज़. क्रिप्टो करेंसी में वी आर बेटिंग इट फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब आराम से इन्वेस्ट करेंगे, लंबा टाइम के लिए वेट करेंगे. जितना बार क्रैश आएगा उतना बार फिर से इन्वेस्ट करेंगे, दैट इज़ द बेस्ट थिंग. तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है, लोग पूरा रो पड़ते हैं जैसे ही मार्केट क्रैश करता है. हम तो खुश हो जाते हैं जैसे ही वो क्रैश होगा, तो फिर आराम से हम कुछ एटलीस्ट जो पैसा जमा किए होंगे, सेव किए होंगे, उसको लेके इन्वेस्ट कर सकते हैं. सो वी ऑलवेज कीप ऑन वेटिंग फॉर द क्रिप्टो करेंसी मार्केट टू क्रैश. अभी कल क्रैश कर गया रात में. मैं देखा कि इथेरियम वॉज कम्प्लीटली डाउन बाई क्लोज टू
12% डाउन। मैं शायद लास्ट 6 महीने में एक बार भी इतना डाउन तो नहीं हुआ था। सो आई जस्ट वेंट अहेड एंड मेरा 1 लाख का ऐसा कुछ, मैं नॉर्मली क्या करता हूँ क्रिप्टो करेंसी कुछ मतलब 5 to 6 lakhs मैं अकाउंट में सेव करके रखता हूँ, जब भी कभी भी क्रैश होता है तभी लाके सिंपल लेके उसको इन्वेस्ट करने का। तो कल मैं पूरा होल 1 lakh है इन्वेस्टेड कम्प्लीटली इथेरियम। सो मैं भी वही सजेस्ट करता हूँ, आपका जितना ही बजट होगा 1000 रुपये 100 रुपये 10000 जो भी बजट होगा, ऑलवेज ट्राई टू इन्वेस्ट ऑन ऑल दो स्टेबल कॉइन्स। इथेरियम हो गया, बिटकॉइन हो गया, सोलाना हो गया, कार्डानो हो गया, XRP हो गया, ये सब जो स्टेबल कॉइन्स है उसमें इन्वेस्ट करोगे तो एटलीस्ट आपका लॉस तो रहेगा। जो मतलब डरता है कि अरे लॉस हो जाएगा पैसा डूब जाएगा, सो बेस्ट इज टू इन्वेस्ट ऑन स्टेबल कॉइन्स इफ यू आर लुकिंग टू कीप योर क्रिप्टो करेंसी फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर आप ऐसे मीम कॉइन्स या फिर मतलब सोच रहे हो कि नहले पे दहला हो जाए 25 दिन में पैसा डबल हो जाए, देन आपको मतलब छोटा छोटा ये सब छोटा मोटा कॉइन ढूंढना पड़ेगा, डिस्कॉर्ड सर्वर्स में एक्टिव रहना पड़ेगा, बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी पोर्टफोलियोज ट्विटर ये वो जगह बहुत फॉलो करना पड़ेगा। अगर इफ यू आर जस्ट ए मतलब वैल्यू इन्वेस्टर और ग्रोथ इन्वेस्टर लाइक मी, बेस्ट इज टू इन्वेस्ट ऑन ग्रोथ स्टॉक्स। मैं नॉर्मली वही बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, ये 3-4 और एक कार्डानो, उसके बाद हो गया XRP, BNB कैश, अपना बिनेंस वाला कैश वहां पे डालता हूं, नहीं तो उतना छोड़ के मैं नॉर्मली और ज्यादा कुछ रिसर्च करता नहीं। अभी कल मैं जो इंस्टाग्राम में डाला था वो जो फोटो, सो दैट फोटो वॉज फ्रॉम द बिनेंस ऐप। मैं नॉर्मली बिनेंस ऐप में यूज करता हूं बिकॉज आई मतलब सिंस इंडियन गवर्नमेंट इज नॉट अलाउंग इंडियन बैंक्स और कार्ड्स टू क्रेडिट टू योर मोस्ट ऑफ द अकाउंट, मतलब ये जो वजीर एक्स, कॉइन बेस, कॉइन स्विच, कुबेर, बहुत सारे में अकाउंट काम नहीं करता, NFT काम नहीं करता, लेट होता है, तो आई हैव स्टॉप्ड यूजिंग इंडियन प्लेटफॉर्म्स नाउ, आई सिंपली फुल टाइम यूज बिनेंस। सो मेरा उसमें अलग मतलब बाहर कंट्री का बैंक अकाउंट सीधा कनेक्ट होकर रहता है, तो सीधा वहीं से जाकर पैसा विड्रॉ कर सकता हूँ। आई कैन ऑल्सो एड इट विदाउट इवन लुकिंग एट कि कौन सा बैंक ले रहा है, कौन सा बैंक ले रहा है, इट्स वेरी। सो बेसिकली द बॉटम लाइन इज वेन एवर यू सी क्रिप्टो करेंसी मार्केट इज क्रैशिंग, डोंट वेट, जस्ट गो एंड इन्वेस्ट, डोंट इवन लुक एट द पोर्टफोलियो। भाई पोर्टफोलियो को देखने का ही नहीं है, पूरा लॉग आउट करके बैठो, आराम से 5-10 साल के बाद देखेंगे, जब बस पैसा सेव होता है थोड़ा 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 इन्वेस्ट करते जाओ, यू आर गोइंग टू मेक इट बिग आफ्टर सम टाइम। तो अभी एज पर द वीडियो टाइटल मैंने कहा था कि वन ऑफ माई फ्रेंड हैज एक्चुअली मेड 19 lakhs व्हाइल आई वाज स्लीपिंग एंड दैट इज एक्चुअली ट्रू। मैं आपको बोलता हूँ, सो बेसिकली व्हाट माई फ्रेंड डज इज ही कीप्स ऑन फॉलोइंग ऑल दोस क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स, क्रिप्टो करेंसी वेबसाइट्स, ट्विटर, बहुत सारे जगह में वो एक्टिव रहता है, सो कीप्स ऑन फॉलोइंग ऑल दोस स्मॉल 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 न्यूज। तो एक क्रिप्टो करेंसी अभी निकला हुआ था कुछ दिन पहले ही, वो जस्ट मतलब लॉन्च हुआ है, उसमें ही हैड इन्वेस्टेड ओनली 1 lakh rupees, तब वो था $0.04। अभी कौन सा क्रिप्टो करेंसी है वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, आपको नीचे में कमेंट्स में जाके गेस लगाना है, अगर जिसका गेस सही होगा उसको एक मस्त वाला गिफ्ट मिलेगा, नहीं तो आप गेस लगाते रहो, मे बी मैं नेक्स्ट वीडियो नहीं तो पैट्रियन पे उसका पूरा डिटेल्स में बोलूंगा। पहले आई नीड टू इन्वेस्ट, पहले मेरा कुछ पैसा उसमें इन्वेस्ट हो जाए, उसके बाद जाके वंस आई फिनिश कंप्लीटली डिटेलिंग ऑल थ्रू द व्हाइट पेपर्स उसका पूरा, क्योंकि मेरे को मैंने जितना चेक किया इट लुक्स वेरी गुड, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैं आगे जाकर एक डिटेल वाला वीडियो बनाऊंगा। बट उसमें उसने डाला था ओनली 1 lakh rupees, 1 lakh rupees में जब था $0.04, सो ही हैड गॉट टोटल 33,200 ऐसा कुछ उसको मिला था टोटल कॉइन्स। तो 33,200 वो एक दिन के अंदर $0.04 बिकेम $0.85 या $0.95, तो उसको टोटल आया 1 lakh बिकेम क्लोज टू 20 times, उसमें चार्जेस वर्जेस सबको डिडक्ट होके उसको टोटल 19 lakhs ऐसा कुछ आया वही सेम कॉइन पे। उसने इमीडिएटली क्या किया, वही सेम कॉइन को USDT में कन्वर्ट कर दिया एंड नाउ हिज मनी इज विद द USDT अकाउंट एंड ही कैन जस्ट गो एड एंड विड्रॉ इट टू हिज बैंक अकाउंट एंड विल गेट डायरेक्टली 19 lakhs। सो व्हाइल आई वाज स्लीपिंग ही जस्ट कन्वर्टेड हिज 1 lakh टू 19 lakh rupees। सो बेसिकली यू नीड टू बी स्मार्ट टू मेक स्मार्ट मनी, हमारे जैसे दिन रात काम कर करके कम पैसा कमाने से अच्छा है थोड़ा स्मार्ट बन के स्मार्ट पैसा। मेरे तो मतलब इसमें यहाँ लिखा नहीं है स्मार्ट मनी, मेरे को लिखा मेरा लाइफ में ऐसा ही है कि हम लोग पूरा काम करते हैं, जितना काम करते हैं उतना ही पैसा मिलता है, बट कुछ कुछ लोग मतलब लकी रहते हैं जो कि उनको थोड़ा लगा के बहुत सारा मिल जाता है। आई एम लाइक वेरी अनलकी विद ऑल दोस थिंग्स, मैं जितना काम करता हूँ मेरे को उतना ही पैसा मिलता है, बट दैट इज हाउ द वर्ल्ड इज, क्रिप्टो करेंसी इज बेटिंग बिग, मतलब क्रिप्टो करेंसी इज द फ्यूचर एंड उसमें बहुत सारे छोटे छोटे वेज है टू मेक मनी। इवन मेरे को और एक मस्त वाला नया वाला वे भी मिला है वेयर आई एम एक्चुअली मेकिंग क्लोज टू वही 20-25% ऑफ रिटर्न्स पर मंथ, उसके बारे में और एक वीडियो बना के आपको डिटेल्स में बताऊंगा, बट दैट इज व्हाट द थिंग इज व्हाट माय फ्रेंड हैड डन यस्टरडे। वो मेरे को नॉर्मली मैं फोन लेके कभी सोता नहीं हूँ, वो मेरे को मैसेज करते जा रहे हैं सोम भाई जल्दी से इन्वेस्ट मारो ये मस्त है ये, बट मैं तो आराम से सो रहा था, मैं सुबह उठ के फोन जाके मेरे रूम पे जाके देख रहा हूँ तो ऑलरेडी वो 19 लैक्स
हो चुका है एंड मेरे पास कुछ भी नहीं है. आई जस्ट गॉट द व्हाट्सएप मैसेज आफ्टर लाइक 5 years 6 hours ऑफ माई स्लीप. सो बेसिकली ही मेड 1 lakh to 19 lakhs व्हाइल आई वाज स्लीपिंग एंड ही डिड नॉट हैव टू डू एनीथिंग. जस्ट ही हैड टू मतलब कॉन्सेंट्रेट ऑन अ लॉट ऑफ फोरम्स, लॉट ऑफ डिस्कॉर्ड सर्वर्स, लॉट ऑफ ट्विटर मतलब ये जो प्रोफाइल्स यहीं सबको फॉलो कर करके एक मस्त वाला डिटेल्स निकाल के उसको मल्टीबैगर बोल सकते हो. मतलब ओवरनाइट मल्टीबैगर हो गया $0.04 से लेके $0.95. सो 33,000 कॉइन्स all the way came from 1 lakh to 19 lakhs in like 3 to 4 hours. Crazy man, crazy money. Cryptocurrency में ऐसा खतरनाक खतरनाक बहुत सारा न्यूज़ आता होगा. Anyways, this is a very true story from one of my friend's life. Maybe अगर कहीं मेरे को time होता है, I will make that friend meet with you guys on the video because he is from India itself. वो इंडिया से ही है एंड बाकी वो दुबई में ही रहता है since like 5 या 6 years. मैं जब वहाँ रहे और रहने लगूँगा तो वो बहुत बार वीडियोज में भी आएगा. बट डिपेंड्स, मतलब अगर वो कम्फर्टेबल रहेगा मैं उसको वीडियो में लाऊंगा. आई विल लेट हिम एक्सप्लेन हिज स्टोरीज एज वेल. बट दैट्स ऑल गाइज, अभी टाइम हो गया है ऑलमोस्ट 12 बज गया. मेरे को आज वाला वीडियो भी एडिट करना है, कल वाला वीडियो भी एडिट करना है, क्योंकि आज सुबह मैं एयरपोर्ट में रहूँगा. कल सुबह मैं एयरपोर्ट से जस्ट घर पहुँच के मे बी आई वुड बी स्लीपिंग, सो आई वुड बी एबल टू अपलोड. से मैं अभी से एडिट करके स्केड्यूल कर दूंगा. सो इवन इफ आई एम स्लीपिंग, यू गैस वुड बी एबल टू सी द वीडियोज. एनीवेज, इफ यू बीन वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ, मेक श्योर टू लाइक द हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब करना. अगर सब्सक्राइब नहीं करते और वो नोटिफिकेशन वाला बटन नहीं दबाता, आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा व्हेनेवर आई एम अपलोडिंग न्यू वीडियोज. आई विल सी यू गाइस इन द न्यू ब्लॉग.